राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा शुक्रवार को सर्किट हाउस स्थित परिसर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा लखनऊ से सड़कों के मरम्मत और निर्माण कार्य के लिए गोरखपुर जनपद में 65 करोड़ 30 लाख रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा इन सभी योजनाओं के शिलान्यास के मौके पर गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी विधायक और सांसद मौजूद रहे, जिसमें नगर विधायक डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल, गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह चौरीचौरा, विधायक संगीता यादव, सांसद कमलेश पासवान, बांसगांव विधायक विमलेश पासवान सहित अन्य विधायक मौजूद रहे। इस दौरान मंच से कहा गया कि जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा शिलान्यास हुए योजनाओं के कार्य को जल्द पूरा कराया जाए। नवीनीकरण के कार्य है वो है, ये सब स्वीकृत हुए हैं और हमारे सांसद शरद त्रिपाठी जी के प्रतिनिधि हरिकेश त्रिपाठी जी की ओर से माननीय सांसद जी को मैं आमंत्रित करूंगी, लेकिन इससे पहले स्वागत प्रतिनिधि डॉक्टर शरद त्रिपाठी जी के प्रतिनिधि हरिकेश त्रिपाठी जी का स्वागत मैं राजेश जी से अनुरोध करूंगी कि पुष्पों से स्वागत करें। प्रतिनिधि बहुत बहुत स्वागत आज की इस पावन और खूबसूरत मेला में। इस बीच हमारे एसडीएम सर अनुरोध के मुख्य विकास अधिकारी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विपिन सिंह जी, आदरणीय महेंद्रपाल सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, आदरणीय शीतल पांडे जी, संत प्रसाद जी, संगीता यादव जी, सीडीओ महोदय और उपस्थित विभाग के सभी अधिकारीगण, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रदेश के सभी पीडब्ल्यूडी के सड़कों का शिलान्यास आज का दिन का मुकर्रर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया। अधिसूचना लगने वाला है, इसी को मद्देनजर रखकर आज जनपद स्तरीय कार्यक्रम बनाकर आज हम सब लोग सभी जनप्रतिनिधि मिलकर इन सड़कों का शिलान्यास कर रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय केशव मौर्य जी को, आदरणीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार बनने से पहले आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में पिछले 2 वर्षों में जो सड़कों का हाल था सब लोग जानते हैं। खासतौर मैं अपने अगर बांसगांव संसदीय क्षेत्र की बात करूं, कोई ऐसा सड़क नहीं रहा होगा जो अच्छे से चला जा सके। मैं ये नहीं कहता कि 2 साल के अंदर मेरी सभी सड़कें सही हो गई, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 2 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा क्षेत्र के सड़कों का विकास हो रहा है और कार्य हो रहा है। मैं थोड़ा विलंब से आया, मैं अपने सभी जनप्रतिनिधियों के प्रति क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि देवरिया में भी जाना था और मेरा पहले यहां का कार्यक्रम नहीं था, मुझे देवरिया ही जाना था, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, मुझे भी आना है। आज के इस अवसर पर बहुत लंबी बात न करते हुए इस मंच के मार्फत आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री केशव मौर्य जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उपस्थित सभी अपने जनप्रतिनिधियों का भी स्वागत करता हूं। बहुत लंबी बात न करते हुए जैसा कि चीफ इंजीनियर ने बताया कि पूरे जनपद में करीब 65 करोड़ 30 लाख रुपए के सड़कों का आज शिलान्यास हम लोगों ने किया है और उम्मीद करता हूं अधिकारियों से भी कि जिस उद्देश्य के साथ आज ये आनंद फानंद में हम लोग की अधिसूचना का असर न पड़े उसको हम लोग एक साथ एक ही मंच पर सभी कार्यों का शिलान्यास किए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि चुनाव में जाने से पहले, क्योंकि चुनाव तो अभी अप्रैल से आरंभ होगा, अभी हम लोग के पास करीब 1 महीने 1.25 महीने से ऊपर का काम कराने का समय है, तो मुझे उम्मीद है जिन सड़कों का हम लोग आज शिलान्यास कर रहे हैं उस पर आप काम चालू कर देंगे, ताकि गाँव के लोगों को जहाँ पे ये बोर्ड लगे उनको ये एहसास हो कि जो काम हम लोगों ने शिलान्यास किया है वो बहुत जल्द बनके तैयार होगा। इन्हीं सब बातों के साथ अपने सभी जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार की तरफ से हम चाहेंगे कि वो मौका दोबारा दें, ऐसा सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।